टीवी सीरियल में मेन लीड एक्ट्रेसेस कैसे चुनी जाती हैं? अगर आप एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस बनना चाहती हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीवी इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है, मेकर्स एक मेन लीड में क्या क्या खूबियाँ देखते हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो टेलीविज़न एक्ट्रेस बनना चाहती है, जिन्हें पता कुछ भी नहीं है कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है और आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए एक मेन लीड एक्ट्रेस बनने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि जब भी आप टेलीविज़न इंडस्ट्री में कदम रखेंगे तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका मनी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम है कि एक्टर को बुलाना उनके कैरेक्टर के हिसाब से और ऑडिशंस लेना। कई सारी लड़कियाँ जिनके मैंने ऑडिशंस लिए थे और आज वो सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी हैं और अच्छे अच्छे सीरियल कर रही हैं। वेल, कई सारी लड़कियां हैं जो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं और उनके मन में कई सारे डाउट्स होते हैं। पहला डाउट ये होता है कि एक एक्ट्रेस बनने के लिए क्या गोरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक मेल लीड एक्ट्रेस बनने के लिए गोरा कलर चाहिए यानी कि साफ रंग चाहिए, ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं। कई सारे ऐसे सीरियल आते हैं जो कि रंग लड़कियों के साफ नहीं होते, उसी बेस्ड पर भी बनते हैं। स्टार प्लस पर एक सीरियल आया था विदाई, सपना बाबुल का विदाई, जिसमें पारुल चौहान को कास्ट किया गया था। उन्होंने रागिनी का कैरेक्टर निभाया था। उस शो में दो लड़कियों की स्टोरी दिखाई गई थी, एक लड़की गोरी होती है, एक लड़की काली होती है, जिसमें पारुल को कास्ट किया गया था उनके कलर की वजह से। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कलर मैटर नहीं करता है। कई सारे ऐसे सीरियल बनते हैं जिसमें अगर आप फिट हो गए तो आपको कास्ट कर लिया जाएगा। दूसरा डाउट होता है लड़कियों का हाइट का। कई सारी लड़कियां होती हैं जो पूछती हैं कि हाइट मैटर करती है या फिर मैटर नहीं करती है, तो मैं आपको बता दूं अभी कई सारी ऐसी सीरियल एक्ट्रेस हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो मेन लीड एक्ट्रेस में काम कर रही हैं, एज अ मेन लीड काम कर रही हैं। कुछ सीरियल भी ऐसे बनते हैं जिनकी बहुत कम हाइट होती है, उसको भी काम मिल जाता है। एक सीरियल आया था इमेजिन टीवी पर, बाबा ऐसा वर्ड ढूंढो, उसमें जूही असलम को कास्ट किया गया था। जूही असलम को इस वजह से कास्ट किया गया था क्योंकि उस सीरियल में वो पूरी तरीके से फिट थी, उनकी हाइट कम थी और वो सीरियल उन्हीं पर बेस्ड था, उसी हाइट पर, और वो पूरी तरीके से कैरेक्टर में फिट थी, इसी वजह से उनको लिया गया था। कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कोई सीरियल बन रहा है, आपने ऑडिशन दिया, आप उस कैरेक्टर में फिट हो तो आपको ले लिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी हाइट कम है और आप गोरे नहीं दिखते हो। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को एक मेन लीड एक्ट्रेस में क्या क्या देखा जाता है कि अगर आप एक मेन लीड एक्ट्रेस में काम करना चाहती हैं, आप टेलीविज़न इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं, एज अ मेन लीड काम करना चाहती हैं, आपको निगेटिव साइड रोल कुछ भी नहीं करना है और उसमें क्या खूबियाँ लोग देखते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मेकर्स देखते हैं उस एक्ट्रेस में, देखते हैं उसकी एक्टिंग। अगर आप एक्टिंग फील्ड में आ रहे हो तो सीधी सी बात है एक्टिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारी लड़कियां मैंने देखी हैं जो दिखने में बहुत सुंदर होती थी लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी तो उनको काम नहीं मिलता था। आप जानते हैं कि डेली सोप की शूटिंग 30 दिन होती है, एक्ट्रेसेस को सिर्फ एक दिन ही छुट्टी मिलती है, 12-12 घंटे की शिफ्ट करना पड़ती है, तो इसके लिए आपकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको एक्टिंग सिखाए। जब भी आप एक्टिंग फील्ड में जाएँ, खास करके टेलीविज़न इंडस्ट्री में जाएँ, तो आप पूरी तरीके से एक्टिंग सीख के जाएँ, थोड़ी बहुत तो सीख के जाएँ ताकि आपको कोई रिजेक्ट ना करे। जब आपको काम मिल जाएगा धीरे धीरे आप खुद एक्टिंग सीख जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, आपका लुक बहुत अच्छा है तो आपको एक्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी इंडस्ट्री में आपको जाना है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में, आपको एक्टिंग सीख के जाना है। दूसरी चीज़ है लैंग्वेज। कई सारी लड़कियाँ होती हैं उनकी लैंग्वेज क्लियर नहीं होती, कई सारे लोग होते हैं, कुछ बिहार से बिलोंग करते हैं, कुछ कहीं से बिलोंग करते हैं, तो उनकी वहाँ का टच आ जाता है। तो जब भी आप हिंदी सिनेमा में जाएँ, हिंदी सीरियल के लिए जाएं ऑडिशन देने के लिए, तो उस लैंग्वेज को सही से बोले। अभी कई सारे सीरियल है जो माइथो बनते हैं, हिस्टोरिकल बनते हैं, तो सीधी सी बात है उसके लिए हिंदी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अपनी हिंदी पर थोड़ा सा काम कीजिए अगर आपकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है।
नंबर तीन है आपका फेस। एक एक्टर के लिए उसका फेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वक्त आपके फेस में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई पिंपल आ रखे हैं, कोई निशान है, तो आप उसको ठीक कर लीजिए। और जब भी आप टेलीविज़न इंडस्ट्री में ऑडिशन देने के लिए जाएं, तो आपके फेस पर एक भी दाग धब्बा ना हो, क्योंकि टेलीविज़न जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनका फेस बहुत क्यूट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी हाइट कम होती है लेकिन वो दिखने में बहुत सुंदर होती है। तो आपको करना ये है कि अपने फेस का खास ख्याल रखना है। नंबर चार है फिटनेस। एक एक्टर के लिए उसकी फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 30 दिन शूट करना पड़ता है, रेस्ट उतना मिलता नहीं है। जैसे कि आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, कभी कभी नाइट में भी शूट करना पड़ता है, तो कभी कभी रेस्ट आपको कम मिलता है। तो आप मेंटली और फिजिकल तौर पर आपको फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक एक्टर की फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एक्टिंग के लिए। अगर आप मेंटली और फिजिकली तौर पर फिट नहीं होंगे तो आप एक्टिंग की दुनिया में ज़्यादा दिन तक के नहीं टिक पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे पॉइंट्स को समझ पाएँ। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक एक्ट्रेस बनना चाहती हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी दे दूंगी। आप मुझे अपना प्रोफाइल मेल कर सकती हैं, नॉर्मल फोटोज मेल करिएगा और अपनी डिटेल्स को मेल कर दीजिएगा। अगर आपको एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकती हैं, कॉमेंट भी कर सकती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।